नमस्ते सबको, आप सभी कैसे हो? तो मैं पिल्लू आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube फैमिली पर। तो ये देखो, ये मेरी कज़िन है, हमारी फैमिली में सबसे बड़ी है, तो ये मेरी बड़ी दीदी लगती है। तो दादू भी हमारे साथ पास है, और ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, हम यहाँ पे आए। ये देखो, ये भी है, गुआवा का पेड़ है ये। इस पे अभी तक गुआवा नहीं लगा क्योंकि समर सीजन नहीं आया, समर सीजन चल रहा है, पर ये देखो इस पे थोड़े थोड़े आने लगे। हमारा ये विलेज है, हम यहाँ पर है, इसके नीचे खड़े हैं। तो आप सब में हमारा सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आप सभी को टेंशन हो रही होगी ना, कि मतलब मम्मा अब बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, तो मम्मा का क्या हाल है, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा कहाँ पर है। तो आज हम सभी ने सोचा कि हमको आप सभी को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी मम्मा की हालत ना बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत ही क्रिटिकल है। तो मम्मा को 3 दिन ICU में रखा था, वेंटिलेटर में भी थी और ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ था। तो जब जब ना हम मम्मा से ना मिलने गए थे, तब हमको लगा कि मम्मा हमको पहचानेगी, हमसे बात करेगी, हमको मतलब हमसे बात करके हमको बिठाएगी साइड में। तो लेकिन मम्मा हमको पहचान नहीं पा रही थी, और मतलब हमको पहचान नहीं पा रही थी, हमारी तरफ देख नहीं रही थी, हमने जब बुलाया तो भी पहचान नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे बहुत क्रिटिकल है उनकी हालत, वो बोल रही कि उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत खराब हो गई थी। तो साइड में ना एक मतलब वो उनके लिए स्पेशल वाला बेड था, जिसके साइड में एक वो रहता है नेट जैसा जाली वाला रहता है, ताकि मम्मी इधर उधर ना कहीं चले जाए। तो मतलब मेंटली डिस्टर्ब्ड थी मम्मी थोड़ी सी, और मम्मी बहुत टेंशन ले रही थी। डॉक्टर ने बोला मम्मी सपनों में भी कुछ बड़बड़ा रही थी। हाँ, मम्मी बार बार नाम ले रही थी, संतु मामा और बाबा। हाँ, और ऑक्सीजन मास्क पे था, आंखें बंद करके मम्मा कुछ भी बड़बड़ा रही थी। तो हमको थोड़ा डर लग रहा था, पर मम्मा की वजह से ना पप्पा है ना बार बार भाग दौड़ी कर रहे थे, पप्पा मम्मा के पास ही रह रहे थे। और जब तक मम्मा एडमिट थी ना, बहुत 3 महीने से मम्मा एडमिट थी, और तब तक पापा उनके पास ही थे। मम्मी दांत चबा चबा के इधर उधर कुछ भी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मम्मा कुछ ज्यादा ही क्रिटिकली मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी। तो अभी पापा एक दो बार आते हैं यहाँ पर, हमको खाना बना के खिलाते हैं, पर हमको ना मम्मा की भी याद आती है बहुत ज़्यादा। मम्मा की मतलब खाना जब मम्मा बनाती है तो बहुत टेस्टी होता है ना, तो उसकी बहुत याद आ रही है, मम्मा की बहुत याद आती है। तो दादू की भी ना इस मम्मा के बारे में सोच के, मतलब क्या चल रहा है दादू को, और हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो दादू इसके बारे में सोच के थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। तो दादू से मतलब दादी से आप थोड़ी सी बात कर लो। सोचा था कि है ना, जैसे जो हमारी मम्मी की हालत थी ना बहुत ख़राब हो गई थी, क्रिटिकल थी, और जो डॉक्टर्स थे बोल रहे थे कि है ना उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है बहुत ख़राब हो गई थी, वो कुछ भी बड़बड़ा रही थी, सपने भी वे ढंग से सो नहीं पा रही थी मम्मी, इसलिए उनको 3 महीने से एडमिट कर रखा है। और क्या बोलते हैं, उनको देख के ना मेरे को भी अजीब सा लग रहा था, क्या हो गया मम्मी को, जैसे मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को भी टेंशन लग गई थी। थोड़ा अभी थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ हूँ, तो मैं पापा से पूछ रहा हूँ, पापा बार बार आ रहे हैं, पापा भागा दौड़ी कर रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं, बहुत पापा की टेंशन पे सर पे चढ़ी हुई है। एक तो काम का स्ट्रेस, फिर ये जो गायों को खिलाना है, फिर मम्मी का कैसे संभालेंगे। आपको वीडियो बना के अच्छे से दे देते, मतलब रोज वीडियो बना सकते थे, पर गायत्री का ना अब पापा उधर ही रहते हैं हॉस्पिटल में, मम्मा का ध्यान रखने के लिए वहाँ कोई नहीं है, तो पापा रहते हैं ना, तो गायत्री का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं गायत्री को आज नहाई हूँ, रेडी किया, लोशन वगैरह लगा के कंघी की है, और खाना भी मैंने ही खिलाया है। दादू और बहुत दिन हो गए ना, हमने सोचा कि है ना आप लोग भी चिंता कर रहे होंगे क्या हो गया है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि है ना आपको ना वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देते हैं कि मम्मी की हालत कैसी है। अगर मम्मी की हालत में बहुत सुधार आया तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो अभी हाँ, अगर मम्मा ठीक होती है तो हम पक्का आपको बताएंगे, नहीं तो अभी जैसे मतलब एक दो दिन बाद हम वापस वीडियो डालेंगे, ताकि हम जैसे हमें पता चलेगा कि मम्मा की कैसे है, तो पापा आते हैं ना घर पे, तो पापा थोड़ा बहुत बताते हैं, हम पूछते हैं पापा क्या हुआ, कहाँ गए थे, तो पापा थोड़ा बहुत बताते हैं। तो हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, और पापा भी इतना नहीं बता रहे मम्मी की हालत के बारे में, पापा भी बहुत ना मतलब टेंशन ले रहे, सर दुख रहा है उनका भी, हम भी ना बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लग रहा है, फिर ना मम्मी और ऊपर से दांत चबा चबा के ना इधर उधर मतलब कुछ भी, हाँ मम्मी भाग रही है इधर उधर,
सो हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी क्या है कि पप्पा के भी ना वो हो रहा है टेंशन ले लेके, ना सर दुख रहा है, पप्पा को भी फीवर चढ़ रहा है, फिर भी पप्पा बहुत ना काम कर रहे हैं, उनको काम का भी स्ट्रेस है, फिर भी पप्पा बहुत काम कर रहे हैं, हम भी उनकी इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, गायत्री का भी ख्याल रख रहे हैं, गायत्री भी इतना चिड़चिड़ नहीं कर रही, उसको भी पता है क्या हो रहा है। और ज़्यादा टेंशन मत लो, हम गायत्री का अच्छे से ख्याल रखेंगे और हम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, पर आप टेंशन मत लेना, मम्मा की भी और हमारी भी नहीं। अगर हम हमें कुछ पता चलेगा या नहीं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू।